आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, पूछा कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना आएगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। करना क्या, आपको सबसे पहले क्या करिए, अंक अंक आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। पीछे से जोड़ते हैं, एक हो गया, दो और तीन हो जाएगा, चार हो गया। आप यहां से क्या करिए, चार आप लिख लीजिए। अब यहां से क्या, इसका रिजेक्ट हो गया। यहां से एक दो तीन मिल जाएगा, यहां से तीन हो गया। अब यहां से केवल दो अंक, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो गया। अब यहां से जोड़ेंगे कितना हो गया, एक हो गया और ये कितना हो गया, दो हो गया। ठीक है, अब यहां से भी ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। बच्चा की यहां से एक बच गया, आपके यहां से एक हो गया। अब कि इन सभी को मैंने जोड़ लिया, तो बच्चा की आपका एक बटे दो बचा है, यहां से बचा है और ये बच्चा, ये बचा है। अगर एक बटे दो और एक बटे दो दोनों मिलकर ये कितना हो जाएंगे, आधा और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहां से आधा ये भी है और आधा ये भी है, आधा आधा मिलकर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। करने के इन दोनों को जोड़ ले कितना हो गया, दो। इसमें क्या करिए, आप दो और जोड़ लीजिए। अगर इसको यहां से जोड़ लेंगे तो कितना हो, 1236 आ जाएगा। ठीक है, 1200 कितना आ जाएगा, 36 आ गया। ये आपका क्या गया, आंसर आ गया। अर्थात आप बता सकते हैं इन सभी को जोड़ने पे इसका मान कितना मिलेगा, 1236 मिलेगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि इस तरह से आपको दे दिया, पूछा कि इसको सॉल्व करने पे एक्स का मान कितना आएगा, हमसे ये पूछा। यहाँ पे एक्स क्या आएगा, हमसे यही पूछा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, यहां से देखिए, आप इसको देखिए, आपको एक रूल पता होगा घातांक करने के। अगर यहां से देखिए, अब यहां से ये, ठीक है, इसकी पावर में क्या कर दू, यम कर दे रहा हूं, यहां से कितना आ गई, ये। ठीक है, तो आपको ये पता, अगर आधार सेम रहते हैं तो पावर घाते क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। बुरा में घाते क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। ये कितना हो जाएगा, एम प्लस एन। तो यहां से सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इनके आधार क्या सेम है, आधार सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहां से हो कितना जाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो तीन बटी पांच हो गया। अगर आप इसको यहां से जोड़ लेंगे तो ये क्या, इसमें से घट जाएगा, तो बच्चा कितना, यहां से माइनस तीन बचेगा, कितना हो जाएगा, माइनस तीन आपका बचेगा। अब यहां से इक्वल टू कितना दिया है, इक्वल टू यहां से कितना दिया है, तीन बटे पांच, और पूरे की पावर कितना दिया है, टू एक्स माइनस कितना, वन दिया। ठीक है, आपको एक रूल पता होगा कि घातांक कड़े के, आपको ये रूल पता होगा, ए टू दी पावर एम इक्वल टू ए टू दी पावर एन। अब यहां तक ये क्या आपस में इक्वल है, अगर इनके आधार समान होते हैं, अगर इनके आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो घाते भी क्या होती है, आपस में बराबर होती। तो यहां से क्या हो जाएगा, एम बराबर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रूप में लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इनके आधार देखिए क्या है, बराबर है, आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होगी। हम यहां से बराबर कर लें, माइनस थ्री हो गया और इधर कितना हो गया, टू एक्स माइनस वन। अब इस माइनस वन को क्या कर, हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर इधर ट्रांसफर कर दें तो यहां से घट जाएगा, इसमें से क्या हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस टू बच जाएगा। तो यहां से कर सकते हैं आप कि टू एक्स बराबर कितना हो गया, ये माइनस टू। अगर इन्हें इसको यहां से काट दे, कितने में कटे, एक बार में कट जाएगा, टू से टू कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस एक आ गया। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि एक्स का कितना मान रहेगा, एक्स का मान कितना रहेगा, माइनस एक रहेगा। तो देखिए कौन सा उसके मैच करे, तो सी ऑप्शन किसका मैच करे। ठीक है, हम लोग क्या करें, घातांक कड़ी के नियम से लोग क्या करें, पावर आपस में बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चार की पावर 61 प्लस चार की पावर 62 प्लस चार की पावर 63 प्लस चार की पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, आपसे ये पूछा है। चार ऑप्शन आपको दे दिए। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, अगर इसको सभी को प्रसार करके जब सभी को आपस में जोड़ेंगे तो किस ऑप्शन से डिवाइड होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो पता करने का तरीका आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करिए, क्या इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूँ चार की पावर 61 सभी से कॉमन दिख रहा है, तो चार की पावर 61 क्या करिए, सभी में से कॉमन ले लीजिए। तो यहां से बचा कितना, एक बच गया, यहां से क्या बच गया आपका, एक बच गया। यहां से कितना बच गया, चार की पावर एक बच गया, प्लस हो गया, यहां से चार की पावर कितना बच गया, दो बच गया, यहां से चार की पावर कितना हो गया, तीन बच गया। अब देखिए करने के इसको क्या करिए, प्रसार के लिए, अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो ये कितना दे देगा, 64 आपको दे देगा। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो कितना देगा, चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब करने के सभी को जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लो, कितना 80 मिल गया, 80 चार 84 85। आप यहां से बता सकते हैं कि चार गुड़े यहां से 61 सॉरी चार की पावर कितना 61
और ये कितना आ गया 85 हो गया। अब देखिए ऑप्शन से किस ऑप्शन से ये कट रहा है, ठीक है आपको ये चेक करना है कि 85 किस ऑप्शन से कट रहा है। देखिए 3 से नहीं कट रहा है, न तो 11 से कट रहा है और न 13 से कट रहा है, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन को 2×5 कर सकते हैं कोई फर्क नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं इस ऑप्शन को इस तरह से लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं है। देखिए 5 से ये तो कट जाएगा, 85 से क्या होगा 5 से कट गया, ठीक है 5 से ये 50 से कट जाएगा। अगर इसमें से मैं क्या कर दूं 1/4 निकाल दूं, ये कुछ इस तरह से कर सकता हूं कि 4×60 हो गया और 4 हो गया, यहां से कितना हो गया 50 हो गया। तो 5 से ये 50 से कटेगा और 2 से क्या होगा ये 4 भी आपका कट जाएगा। अर्थात हम लोग ये बता सकते हैं ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, यानी 10 से कट जाएगी, ठीक है। आप क्या बता सकते हैं ये जो प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद सभी को आपस में जोड़ेंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो किससे कट जाएगी, 10 से कट जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, हमसे ये पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझा, फिर आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे क्या कर सकते इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के इसका आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया अगर कोई संख्या है, इस संख्या को कितने से भाग दिया जाए, 156 से अगर भाग दो, इस संख्या के क्या कर दो 156 से भाग दो तो कितना शेष बच रहा है, यहाँ से 29 शेष बच रहा, कितना शेष बच रहा है ये 29 शेष बच रहा। फिर क्या कहा है उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमसे ये पूछे। अगर इसी संख्या को क्या कर दिए 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। क्या पूछा हमसे, शेष कितना बचेगा, हमसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कैसे लगाएंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उस संख्या में भाग देने की बजाय आप क्या करें, इस 13 से क्या करें, शेषफल में ही क्या करें, आप भाग दे दिए। क्या करना आपको, इस 13 से क्या करें, शेषफल में ही भाग दे दिए, ठीक है। अगर आप इससे इसमें भाग दें जो शेष है तो कितनी बार भाग जाएगी, 13×26 तो बचा कितना 3। अर्थात आप बता सकते हैं अगर उस संख्या को क्या कर दिया जाए 13 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 आपका शेष बच जाए। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर सकते, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। करने के हिसाब से इसमें भाग दे दीजिए, जो भी शेष बचेगा आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, अब पूछा कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर होगा, आपसे पूछा और 4 आसान आपको दे दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, इस वाले को, ठीक है। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते क्या, देखते रहना, यानी जो ये चीज लिखा है हम लोग इसको इस तरह लिख सकते, कोई फर्क नहीं होगा, -1/2 कोई फर्क नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, अगर आप दोनों का एलसीएम में कितना हो गया 1/2 मिलेगा, इस तरह से आपको एलसीएम लेने के बाद करने के इसका गुणा इधर कर लेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, इसका गुणा इधर कर लेंगे कितना हो गया -1 हो गया। अगर आप इसको यहां से घटा देंगे तो कितना 1 हो गया और नीचे कितना हो गया 1/2 हो गया, वही चीज मिली कि नहीं मिली, यानी यही चीज आपको फिर से मिली। अर्थात लोग क्या कर सकते इस चीज को इस तरह से लिख सकते कोई फर्क नहीं, इस चीज को लोग क्या कर सकते इस तरह से लिख सकते कोई फर्क नहीं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 1/-1/1 हो जाएगा -1/2 हो गया। इसको भी तो लिख सकते उसी तरह से, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 माइनस कितना हो गया 1/3, इसको भी तो उसी तरह से लिख सकते हैं तो प्लस हो गया 1/3 हो गया और यहाँ से माइनस कितना 1/4 हो गया और ये प्लस डॉट डॉट ये यहाँ से क्या दिया, आप इसको भी तो इस तरह लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 1/99 हो जाएगा, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा 1/100। अब करना कि इसको सॉल्व कर ले आपको क्या जाएगा आंसर है। देखिए ये क्या आपस में कटे हैं, क्या प्लस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, यहां से ये कट जाएगा यहां से ये कट जाएगा, ये भी कहीं आगे कट जाएगा कि नहीं, यानी ये भी कहीं किसी से कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपका, यहाँ से आपका ये बच गया, ठीक है, आप यहाँ से ये बच गया है, यानी यहाँ से कितना है 1 बच गया है और यहाँ से कितना बच गया है -1/100 बच गया। अब करना कि इसका यहाँ से गुणा कर ले तो 100 हो गया, अगर 100 में से ये घटा लेंगे तो कितना बच गया आपका 99 बच गया, लेकिन नीचे आपका कितना हो गया ये 100 आपका रहेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना मिलेगा, इतना आपको मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा उसका मैच कर रहा है,
तो बी ऑप्शन किसका मैच कर। ठीक है, आपको ये पॉइंट रखना कि पहले वाले स्टेप को हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से पहले वाले स्टेप को लिखेंगे उसी तरह से हम लोग क्या कर आगे वाले को भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1-1/3 दिया है और इस तरह से डॉट डॉट आपको दे दिया है। पूछा कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर हो रहा, हमसे ये पूछा और चार ऑप्शन आपको दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस स्टेप को सॉल्व करिए। अगर आप यहां से इसका गुणा करेंगे तो 3 + 1=3 हो गया, 3 में से घटाएं कितना हो गया 2 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते यहां से कितना मिलेगा 2/3 आपको मिलेगा। अब क्या करना, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करें 4 + 4 हो गया, 4 में से घटाएं कितना हो गया 3 और नीचे वाला आपका उसी तरह से रहेगा। इसको सॉल्व करें यहां से कितना 5 + 5 हो गया, अगर एक घटाएं कितना हो गया यहां से 4/5 हो गया। ठीक है, आगे भी इस तरह से क्रम चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे कितना एन हो गया, इसका गुणा करें एन हो गया, एन में से घटाएं कितना हो गया n-1 हो गया और नीचे क्या रहेगा आपका एन बचा रहा है। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है आपस में, देखिए ये ऐसे ऐसे कट रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कट रहा है, ऐसे ऐसे कटते करते ये वाला भी टर्म किसी से कट जाएगा। तो बचा के यहां से ऊपर आपका 2 बच गया और नीचे कितना बच गया आपका n बच गया। तो अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, 2/n के बराबर होगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2-1/3, 2-3/5, 2-5/7 इस तरह से आपको डाटा इस तरह से दे दिया। पूछा कि इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर, हमसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप इस स्टेप को सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 हो गया, 6 में से घटाएं कितना हो गया 5/3 हो गया। ठीक है, इसको यहां से घटाएंगे 5 × 10 हो गया, 10 में से 3 घटाएं कितना हो गया 7 हो गया और नीचे आपका 5 रहेगा। इसको करें कितना 7 × 14 हो गया, 14 में से कितना 5 घटा लेंगे तो कितना बचा आपका 9 बच गया और नीचे कितना रहेगा ये 7 रहेगा। ठीक है, यानी ये इस तरह से आगे क्रम इसका चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो इसके बाद कितना मिलेगा 11/9 मिलेगा। ये इस तरह से क्रम इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, आप करने के इसका इसमें गुणा कर लेंगे फिर इसको घटाएंगे। ठीक है, आप अगर गुणा करें थोड़ा सा समय लग जाए। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए कितनी बार लेना, मुझे 2 बार लेना, लेकिन जिसको घटाना है कि इससे केवल 2 बार कम है, यानी 2 ही इससे कम है ना, तो करने के आप इसमें से पहले 2 घटा ली तो आपका 2 बच गया। ठीक है, एक बार घटाएंगे इसमें से 2 बच गया। ठीक है, अब आपका ये हो गया, इसमें से क्या करना है 999 में क्या करना है, आपको इसको जोड़ लेना। कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 कितना मिले आपको 1001 आपको मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना मिलेगा 1001 आपको मिल गया और नीचे वाला कितना रहेगा ये 999 रहेगा। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या आपस में, मैं देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे कट रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा है कट जा रहा है, ऐसे ऐसे ये भी तो कट जाएगा, कहीं कहीं ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या आप यहाँ से ऊपर कितना बच गया 1001 बच गया और नीचे कितना बचे आपका यहाँ से 3 बच गया। अर्थात आप बता सकते हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का योग 16 है, उनका अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, कोई 2 संख्याएं रही होंगी, अगर जिनको जोड़ा है तो उनका योग कितना मिला 16 मिला, अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाया है तो इनका अंतर कितना मिला 2 मिला, इनका अंतर कितना मिला 2 मिला। तो पूछा क्या हमसे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, हमसे ये पूछा। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पता करिए किस 2 संख्या को लिया जाए कि जिनको जोड़ा तो इनका योग कितना 16 मिल जाए, जिनके बीच का अंतर कितना हो 2। तो आप बता सकते कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं हम लोग, यहां से अगर हम लोग ले ले कितना 9 ले ले रहे हैं और कितना ले ले रहे हैं 7 ले ले, 9 ले लिया जाए और कितना ले लिया जाए 7 ले लिया जाए। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना मिला आपको 16 मिल गया, अगर दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिला आपको 2 मिल गया। अर्थात ये दोनों बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बात को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना मिला आपको 16 मिल गया, अगर अंतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना मिला 2 मिला। दोनों बात को फॉलो कर, अर्थात आप बता सकते संख्या आपको पता चली। अगर आपको संख्याएं पता चली तो पूछा कि गुणनफल पूछा दोनों संख्या, आप यहां से गुणा कर लिए कितना हो जाए 9 × 7 = 63, ये आपको क्या गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा उसने मैच कर रहा है 63, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 का गुणज है उनका योग क्या है, हमसे ये पूछे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो, जो 7 का क्या गुणज हो,
जो सातवा गुणज है और पूछा कि उन गुणजों को क्या पूछा, योग आपसे पूछा। तो सबसे पहले संख्या को क्या मिल जाएगी, सात मिल जाएगी, फिर इसके बाद चौदह मिल जाएगी, फिर इस तरह से इक्कीस मिल जाएगी, ये इस तरह से डॉट डॉट करते करते आपको मिल जाएगी। तो लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी जो सात से कटे, आप क्या बता सकते हैं, 98 है कि नहीं, जो क्या होगी इससे कट जाएगी। तो यहां से करें सात एक कम सात हो गया, दो इधर के सचों को अट्ठाईस, तो लास्ट वाली संख्या आपको पता चली ये है। अब पूछा कि आपको संख्याएं पता चली, तो पूछा कि इन संख्याओं का योग पूछा। योग निकालने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या इनके बीच का अंतर समान है क्या, तो यहाँ से सात का अंतर है, यहाँ से भी सात का अंतर, आगे भी इस तरह से ये सात सात का अंतर मिलता रहेगा। अगर अंतर समान है तो आपको करना क्या, यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू करना है, यानी पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या जोड़ करके इसका आधा कर ले और संख्याओं से गुणा कर ले, आपको क्या जाएगा आंसर रहेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना मिल गया, 105 आपको मिल गया, 105 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। अब क्या करना है, इंटू संख्याएं से गुणा करना है, संख्याएं कितनी है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पता करेंगे, यानी 100 तक है ना, तो करना है कि आपको 100 में क्या करिए, 7 से आप भाग दिए। अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 3 इधर गया कितना 30 हो गया, तो 7 चौक 28, अर्थात आप बता सकते कि इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 14 संख्याएं जो 7 से कटेंगी। संख्या आपको पता चली तो करना है कि यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, अगर इसको यहाँ से काट दो तो यहाँ से कितना 7 बार में कटिए, अब करना है कि यहाँ से गुणा कर लीजिए। अगर आप गुणा कर लेंगे तो 7 25 35 हो गया, यानी ये 0 हो यानी 3 हो गया, यहाँ से 7 1 7, अर्थात आप बता सकते हैं कि 1 से 100 के मध्य जो आने वाली संख्या जो 7 का गुणज है, उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 735। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर, इसमें करना कि आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू कर और संख्या से गुणा कर ले, आपको क्या देगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या कहा गया, 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए मिनट में दिया है ना, अगर हम लोग ये पता करें कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो सबसे पहले अगर ये घंटे की बात की जाए तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर घंटे को क्या कहते हैं, मिनट में कन्वर्ट किया तो क्या करें आप इसमें 60 से पूरा कर ले। अब ये भी आपका मिनट में हो गया और ये भी आपका मिनट में दिया, तो पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ से कितना हो गया, ऊपर 45 हो जाएगा और नीचे कितना हो गया, यहाँ से 24 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, 60 हो गया। भिन्न का मतलब क्या, पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना है, भिन्न का मतलब यही आपका होता है। अब 15 से ये भी कटेगा, 15 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर ले तो 15 3 45 हो गया और ये 15 चौक 60 हो गया। अब देखिये ये 3 से कटेगा क्या, तो काट के छोटा कर ले, 3 वाटे कितना होगी, ये 24 हो गया। ऊपर कितना बच गया आपका, 1 बच गया, अब नीचे कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया, नीचे कितना हो गया, 8 चौक 32। अर्थात आप बता सकते हैं कि 45 मिनट को अगर एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1/32 आएगा। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।